क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्या मतलब? पहले हमारी क्रिएटेड बात थी आइडियल मैच वाली, क्या हुआ जाके? क्या मतलब, क्या चला माइंड में या क्या हुआ? मेरे को बताओ, मेरे को नहीं समझ आया थोड़ा सा। मेरा पॉइंट तो ये था कि उसने तेरे को सेव किया, तो मेरे को एक अच्छा बहुत बुरा इंप्रेशन बन जाता बात के एंड। सेव किया उन्होंने मुझे क्योंकि बाद में तुमको यूज करेगा। एग्जैक्टली, और आज भी यूज कर लिया। किसे? तुम सबके वोट्स आ गए, आइडियल मैच बन गए। ये बाद में रियलाइज हुआ। पर एक बात है, सलेन दिमाग से तो खेला तेरे टाइम पे भाई। अपने दोस्तों को छुड़वा दिया एक तरीके से, और इसको दिखा दिया कि भाई मैं, हम तो गेम खेल रहे हैं कि भाई हम तो चैलेंज खेलना चाहते हैं, हम तो चैलेंज वाले बंदा रख रहे हैं। ये हुआ किस रीजन से तुम्हें भी बताया? वैसे वो तो उससे भी पता है, वो दिख रहा था। गाइस, इट्स अ गेम। हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटजी है, हर किसी का अपना मैनिपुलेशन है। अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा हर एक चीज। मेरे पास आया सचिन दिख दीजिए, उसने बोला भाई व्हाट्सएप हर्ष भाई ने किया कि क्या चल रहा है, क्या गेम खेलना है, पूछना उनसे। तो मैंने कहा भाई मैं गेम वेम का सोचता नहीं हूँ, या मैं तो भाई रोमांस करने आया हूँ, रोमांस ही चल रहा है मेरा। कह रहा है मगर तब भी बताना आइडियल मैच का क्या सीन है, क्या नहीं है। मैंने कहा बहन जो कोई भी बन जाए या ना भी बने तो मेरे को कोई फर्क नहीं है। तो कह रहा आप चाहते हो? तो मैंने ऐसे बोला हाँ मैं नहीं चाहता। मैंने कहा मैं तो मुँह पे बोल के दिलूंगा कि नहीं चाहता मैं। हर्ष और वैशाली को अच्छा नहीं लग रहा था कि एक और आइडियल मैच बन गया है। ऐसा तो नहीं है ना स्प्लिट्स विला में सिर्फ आप ही राज करो, डेफिनेटली दूसरे शेर शेरनी भी तो आएंगे ना। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली सीन वाज वेरी डिफरेंट। नोट से पहले मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। मैं तो कह रहा था कि भाई एक और आइडियल मैच क्यों चाहिए, नहीं करेंगे तुम्हें। नहीं, पता चला हमें। ऑब्वियसली वो गेम पर्सपेक्टिव से नहीं चाहते थे हम। इट वाज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि हम टारगेट नहीं करें किसी को यहाँ। अच्छा, हाँ हम लोग फेयर गेम खेलना चाहते आगे तक तुमने ऐसा ही सोचा है करने का, या फिर जब तक मतलब जिस हद तक मतलब मुझे नहीं लगता हर टाइम ये चीज़ काम आएगी, बट डेफिनेटली कंपटीशन भी कम करना है। ऐसे थोड़ी हमेशा ऐसे थोड़ी चलते रहेंगे। जैसे तुम लोगों ने सोचा कि आज एक आइडियल मैच नहीं चाहिए, वैसे हमको भी ऐसा लगेगा एक दिन, तो हम भी नहीं चाहेंगे। सुन मेरी बात, अगर आज मैंने तुझे फेवर दिया है तो अगली बार तू मुझे देना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं तुझे अपने इशारों पे नचाना चाहती थी, मैं दिखाना चाहती थी कि मेरे पास पावर है और तेरे पास नहीं है।